कहते हैं कि बच्चों के बेहतर विकास के लिए उन्हें बेहतरीन शिक्षा दी जानी जरूरी है, लेकिन क्या हो जब स्कूल ही बच्चों को शिक्षित करने से मना कर दे। इन दिनों गुरुग्राम निवासी अपने कार्यालयों, दुकानों और घरों को छोड़कर स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अभिभावकों की माने तो स्कूलों की मनमानी सामने आने से शिक्षा विभाग भी खुद को लाचार समझने लगा है। ज़्यादातर स्कूलों ने छात्रों के एडमिशन के लिए फॉर्म लेने से मना कर दिया। वहीं कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो ले लिए हैं, लेकिन उनमें कमियां बताकर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में मजबूरन अभिभावकों को परेशान होकर स्कूल और शिक्षा विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं अभिभावकों का कहना है कि इन दिनों शिक्षा विभाग भी उनकी सहायता करने की बजाय टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए हैं। मैं आरटीई के माध्यम से अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहता हूं और स्कूल वाले अलग अलग बहाने मार के वो कुछ संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए बीओ साहब के पास आए हैं कि हमारी प्रार्थना सुने और एडमिशन कराने में सहायता करें। कितने दिन बीत चुके हैं एडमिशन में? हमें एक महीना हो गया यहाँ पर चक्कर लगाते हुए स्कूलों में। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम लगेगा, अलग अलग बहाने मार रहे हैं, तो कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। स्कूल का क्या कहना है? स्कूलों का कहना है कि हम स्कूल कह रहे हैं कि हमने बीओ ऑफिस में भेज दिया है, और कुछ स्कूल कह रहे हैं हमारी मैनेजमेंट नहीं आई है, वो जवाब देगी, और अलग अलग बहाने मार रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुधीर भदौरिया है और मैं सूरत नगर का निवासी हूँ। मैं एमपीएस वर्ड पब्लिक स्कूल में गया था एडमिशन का बच्चे के लेके फॉर्म, तो मेरा फॉर्म भी नहीं लिया उन्होंने, इसलिए नहीं लिया, उन्होंने बताया कि इसकी एज ज्यादा हो गई। मेरा बच्चा 5.5 साल का है और मुझे मना कर दिया फॉर्म नहीं लेना, बोले आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, और एडमिशन नहीं किया। लगभग मेरे से 200-250 मीटर ही मेरा घर है, वहाँ से मना कर दिया फॉर्म लेने से। अब वहाँ हमारे लॉर्ड कृष्णा स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मेरा डीओ साहब से निवेदन है कि किसी भी स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया जाए। और मेरा बीपीएल कार्ड है और इनकम भी उसमें मामूली आती है, जो वही है। मेरा नाम मोहन सिंह है। एक्चुअली मैं गया था मेरे ग्रैंडसन का एडमिशन कराने के लिए ज्ञानंदा स्कूल में दिया, तो ज्ञानंदा स्कूल वालों ने सारी एप्लीकेशन है ना जो रिजेक्ट कर रखी है, और उसमें मेरे बच्चे का जो उन्होंने ऑब्जेक्शन दिया है वो बेसलेस है। कहने का मतलब उन्होंने 3 ऑब्जेक्शन लगाए हैं और उस साइड में रिमार्क लगाया, मैं उसमें आपको वो दिखा दूंगा। तो उसमें क्या है कि उन्होंने लिखा है कि एक तो डिस्क्रिपेंसी दिखा रहे हैं एड्रेस में, और दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, और तीसरा वो कह रहे हैं कि इनकम प्रूफ नोट अटैच, जबकि मेरा बच्चा एससी कैटेगरी से है और उसमें बीपीएल का कार्ड लगा रखा है बेटे का, और उसके अंदर उन्होंने अपडेटेड वो स्लिप लगा रखी है आधार कार्ड 1 किलोमीटर के अंदर जी। और जो हमारा मेन रेजिडेंस है जो पुराने वाला है जिसपे हमारे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बने हुए हैं, जिसमें क्लियर कट एड्रेस है, मतलब अपने राजेंद्र पार्क का है, तो उसमें डोमिसाइल अपडेट करके 1 किलोमीटर का उसमें हमने जादीगढ़ का मतलब किराए पे लेके और उसमें अपडेट करा। कितने दिन हो चुके हैं ड्रॉ निकले हुए? ड्रॉ निकला ही नहीं है, ड्रॉ तो उन्होंने निकाला ही नहीं, रिएक्शन में और सारी एप्लीकेशन रिजेक्टेड में डाल रखी है, एक बच्चा भी उन्होंने मतलब कंसीडर नहीं किया। गुरुग्राम जिले में हजारों की संख्या में छोटे बड़े निजी स्कूल हैं। यहाँ सरकार की योजनाओं के तहत सभी निजी स्कूलों को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के बच्चों का प्रवेश लेकर फ्री शिक्षा देनी थी। इसके लिए आरटीई के तहत निवास स्थान से 1 किलोमीटर के अंदर आने वाले स्कूलों में ऐसे परिवारों के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं जिन बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश लेना था। अप्रैल माह से पहले सभी अभिभावकों ने आरटीई के तहत आवेदन भी कर दिया था, लेकिन अब स्कूलों में सामान्य बच्चों की एडमिशन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निजी स्कूल ऐसे परिवारों के बच्चों का दाखिला नहीं ले रहे हैं। वहीं हजारों अभिभावक या तो निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग के, पर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे पढ़ेगा इंडिया? आज क्या हालात है आप देखिए, धक्के खा रहे हैं धूप में आज पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए। एक तरफ तो कहते हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में हम 25%
उनको स्कूलों को सब्सिडी भी दे रहे हैं और उसके बावजूद आज प्राइवेट स्कूल में आज किसी तरह का कोई एडमिशन नहीं हो रहा, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। आज ये हालात हो गए कि पेरेंट्सों को काम धंधा छोड़कर और धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो सरकार से मांग करते हैं, यहाँ के डीओ से भी मांग करते हैं, डीसी साहब से भी मांग करते हैं कि इस पे संज्ञान लो, जितने भी प्राइवेट स्कूल है आप सख्ती से उनको इंस्ट्रक्शन दे ताकि इन बच्चों को इस तरीके से इनके पेरेंट्स यहाँ पर परेशान ना हो। गर्मी का टाइम है और सुबह आ जाते हैं बैग उठा के और दोपहर तक यहाँ भीड़ लगा के खड़े, किस लिए? क्या ये दिन देखने के लिए? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ ना करें, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको सख्त इंस्ट्रक्शन दी जाए, इनके एडमिशन जल्द से जल्द हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ आंदोलन करने का काम करेगी। क्या लगता है किसकी लापरवाही है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, लापरवाही तो प्रशासन की है ही, अगर सख्ती होती तो क्या आज ये प्राइवेट स्कूलों की क्या इतनी ताकत है कि भाई सब्सिडी भी ले रहे और इनका एडमिशन भी ना करे? रोज बहानेबाजी, किसी को कहते तेरा घर 1 किलोमीटर से उधर है, किसी को कहते आज मैडम नहीं आई, किसी को कहते ईमेल आईडी गलत, इस तरीके के बहानेबाजी बना रहे जो कि गलत है। बच्चों के देखिए, आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता, बच्चे सबके बराबर है, अमीर और गरीब की बात नहीं है। जब अगर हमने कोटा दिया है सरकार ने, तो उस कोटे को देने का फायदा क्या? तो हम तो आपके माध्यम से मांग करते हैं कि इन सबकी परेशानियों को डीसी साहब तुरंत सुने और मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह करते हैं कि आप इनकी परेशानियों को पूरे हरियाणा में, आज यही हालात हो रहे और खासकर गुड़गांव में, तो आप प्राइवेट स्कूलों पे सख्ती करें और इन बच्चों के एडमिशन करवाएं। गुस्साए लोग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस पर पहुंचे और स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला। वही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए अभिभावकों को सोमवार को कार्यालय आने के लिए कह दिया है। ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि शिक्षा विभाग ही आरटीई के तहत छात्रों को निजी स्कूलों में भर्ती कराने के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।